यार आज मैं सोच रहा हूँ कि सारे के सारे जो केज है ना वो लाइन वाइज खोलूं। ठीक है। जैकी डक्की, शंकर काजल, टीटी मास्टर, मिनी फौज, सब बाजो भाई, सब बाजो। माशाल्लाह। ये देखो जो शंकर है ना वो डोली के पीछे बार बार जा रहा है। डोली जिधर भी जा रही है ना दोस्तों उस तरफ है ना डोली के पीछे पीछे जा रहा है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है? मीदा मेरे भाई ठीक होंगे, खैर के साथ होंगे। तो दोस्तों जिस बात का मुझे डर था ना वही हुआ है यार। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जब डोली को खोला उसको काजल को खोला है ना तो ये आपस में लड़ने लग गई हैं। पहले बसंती लड़ रही थी कल, आज है ना काजल लड़ने लग गई है। और दोस्तों ये जो शंकर है ना तब से है ना डोली के पीछे पीछे लगा हुआ है। समझ रहे हो ना? वो ये काजल तुम्हारा जो जीवन साथी है ना वो डोली का होने वाला है मुझे लग रहा है यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। उसके पीछे लगा हुआ है दोस्तों, कब से लगा हुआ है, जब से मैंने क्वेज खोली है ना तब से उसके पीछे लगा हुआ है। मैंने उसको पकड़ा भी है। झूठ बोल रहा है। दोस्तों मैंने दाना वगैरह रख दिया है और जो डोली का केज है ना उसके ऊपर शंकर ने और काजल ने ना हमला कर दिया है। और जो डोली है ना उधर आ चुकी हुई है, उसने भगा दिया काजल ने डोली को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों हम ना अब जाके ना कप्तान को, डायनासोर को, जो डोली के बच्चे हैं ना और शहजादे को, तीनों को खोल देते हैं। डोली यार किधर छुप रही है यार? उस डोली को ना अच्छी खासी पिटाई लग गई है दोबारा काजल से, तो अब ना वो छुप रही है यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। दोस्तों जैकी डक्की ना डीएसपी के इलाके में आई हुई है। चलो आप लोग उधर चलो, एवं तुम भी डीएसपी है ना पर्चा ना कर दे। चलो भाग जो यार। ये इस तरह चलती है जैसे है ना इनके कमर पे दो कैने बांधी हो। खैर दोस्तों दाना वगैरह रख दिया इधर से। तो यार आप सबसे पहले ना तरपाल लगाते हैं ऊपर, क्योंकि ना दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा हो गया, सूरज सर के ऊपर है। अच्छा तो तरपाल है ना इसे आगे करते हैं। दोस्तों तरपाल मैंने आगे कर दी है और अभी हम उधर चलेंगे और मोहसिन भाई भी आ गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रैबिट्स का ना चारा लेके आ गए मोहसिन भाई भी। मोहसिन भाई चाबी लेके आए हैं? चाबी नहीं नहीं यार मैं नीचे छोड़ आया हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार मोहसिन भाई जो काजल है ना इन्होंने है ना डोली के केस के ऊपर हमला कर दिया और उसका केस के ऊपर है ना अपनी हुकूमत कर ली है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता है, हम फिर उसको उधर बंद कर देते हैं। बहुत चंगा ना मैं। जैसे ही हमने कल इसके अंडे उठाए ना चांदी के तो ये फिर दोबारा इधर बैठने लगी। मैंने कहा यार इसने ना हमें धोखा ही देना था। चीटिंग करता है तू। पर बस हमसे गलती हो गई, ये जो मट्टी नरम कर दी है ना इस वजह से ये अंडों पे नहीं बैठी, वरना शायद ये बैठ ही जाती। इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसने दाना वगैरह खा लिया, लेकिन हम जो है ना दोबारा इससे अंडे लेते हैं ताकि ये दोबारा अंडे दे। हमने अंडे जो है इंक्यूबेटर में रख दिए, हमने रिस्क लिया ही नहीं है। ठीक है और अब मैं सुल्तान को खोल देता हूँ। सुल्तान को नहीं खोला, इसको खोल देते हैं। खोल दो ताला, खोल दो इनका। ठीक है। पानी देखो, पानी उसके अंदर है ही नहीं। सारा खत्म कर दिया यार। असंभव। और इसको निकालो, धो के भर दें। आज मौसम रैबिट्स को बाहर निकालना है। ठीक है फिर चारा बाहर ही डाल देते हैं इनको। मैं रैबिट्स निकाल लिए हैं और अपने पिजन भी निकाल लिए हैं। ये पिजन जो है ये पानी मांग रहा है। Wait a minute. ये पिजन जो है ये पानी मांग रहा है। ये पिजन ये पानी मांग रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अगर इसके अंदर पानी भर देना। दोस्तों ये हमारा पेयर जो है ये वॉक कर रहा है। ऐसी जो मादी है ना चीनी, एक ये बैठी है ये ईंट के ऊपर, ये हमारे पास उड़ती रही है। और ये कबूतर जो हमारे पास उड़ता है तो ये इस पे आंख रख के बैठा हुआ है और इसका पेयर बन चुका है। भाई मजा आया। दोस्तों दो रैबिट्स हमारे बाहर आए हैं, एक ये बैठा है एक इधर बैठा है और एक जो है ना वो यार नीचे छुप गया, मुझसे निकला नहीं वो, उसके नीचे वो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ यार। बस अपने साथियों को ढूंढ रहा है कि वो कैसे चले गए हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ दिलबर, दिलबर आ जाओ बाहर जी। दिलबर का तो दिल नहीं कर रहा मुझे लगता है बाहर आने को। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये लो आ जाओ चारा आ गया। नहीं इसको गेड़ा देते हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? आ जाओ चारा खा लो। नहीं जी ये नाराज है, उसको मैंने पकड़ लिया है ना, उसको पता है मुझे भी पकड़ लेंगे ये। ओए हट जा सुल्तान। वो देखें वो ब्लैकी और सुल्तान लड़ रहे हैं, उनके साथ को हम हटाते हैं। अबे रुक जा, बच्चे की जान लेगा क्या? चल उधर। और इनका दाना खत्म हो चुका है थोड़ा सा, तो थोड़ा और ला के डाल देते हैं। तो दोस्तों कबूतर हमारा उड़ चुका है एक जो है, और ये रहा वो। दोस्तों इसको एक ही मसला है बस, जब भी ये उड़ता है ना तो ये अपनी छत पर नहीं उड़ता, वो साइड पे चले जाता है जहाँ जाल पड़ा है ना उधर जाके उड़ने लग जाता है। मोहसिन भाई ऐसे लगता है मुझे जैसे पुराना घर ढूंढ रहा हो ये। क्या है मोहसिन भाई, जब है ना परिंदा बाहर के दाने का आदी हो जाए ना तो फिर उसे आजाद कर देना चाहिए।
तो इसको आजाद कर देना चाहिए, ये कौन सा भी बाहर बैठा है। आ जाना है, कोई बात नहीं। और इनको मैं बंद करने लगा हूँ, सुल्तान को और ब्लैकी को। इसके बाद हम डीएसपी को खोलते हैं, बस इसका एक ही काम है, लड़ना है और कोई काम नहीं है इसको। ये लड़ाई की खातिर दाना भी छोड़ देता है। ये आ गया जी हमारा डीएसपी। दोस्तों इधर से हम ना जैकी को निकालते हैं बाहर, और ये देखें दो खानों के अंदर, और इसके नाक से जो है ना पानी बह रहा है। ये देखें, ये इसका पोटा चेक कर लें, इतना पानी पिया है, दाना तो खाया ही इसने, पानी इतना पिया है कि इसकी नाक से बाहर आने लग गया है। बहुत मजे से पानी पीते हैं ये। और ये देखें, ये अभी टीटी मास्टर के केज के अंदर है, शायद मैं बाहर बैठा हूँ इसलिए टीटी मास्टर इनको कुछ नहीं कह रहा, वरना ये दो पैर ही जो है ना ये मारता है, डक्स को भी मारता है और मुर्गियों को भी मारता है। कम जैकी को, अगर जैकी को बाहर निकाल देना। ओके मौसम भाई। और उधर एक खाने के अंदर करके ना इनको बंद करो, और वैसे पकड़ के निकालो। नहीं, दोस्तों रैबिट्स भी हमारे इधर जो है उदास बैठे हैं, इन्होंने चारा वगैरह नहीं खाया, तो इनको हम बंद कर देते हैं कि यार ये अंदर केज की आदी हैं, तो बाहर हमने कभी नहीं निकाले, ये 2 माह से हमारे पास है तो हमने कभी नहीं इनको बाहर निकाला। चलो उधर, मुझे लगता है पकड़ के छोड़ने पड़ेंगे हमको। माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, लाल आंखें हैं इनकी, ब्यूटीफुल, बिल्कुल व्हाइट है ये। और दोस्तों हमने ना एक को रंग भी लगाया था, हरा रंग लगाया था 14 अगस्त पे। ओए तो मार रहे हैं मुझे, आगे मारता तो नाखून लगते हैं। और ये तीसरा भी छोड़ दिया। तो दोस्तों पिजन हमारा आ चुका है, और एक पिजन हमारा नीचे गिर गया, उधर लेके आता है। और यार आज हमारे जो पिजन है ना, इन्होंने एक गंदम नहीं खाई, दाना अच्छे तरीके से नहीं खाया, सब सुस्त होके बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है इनको। तो इनके पानी के अंदर ना हम जो है डिस्प्रीन और पेनाडोल एक डाल देंगे, ठीक है, वैक्सीन हो जाएगी। डिस्प्रीन वैसे भी 8 दिन बाद जो है डालनी चाहिए केज के अंदर। ये बैठा है SHO जी। ये दोस्तों हमारी चुटकी पे ना इधर आ जाता है, भाग के आता है, लेकिन पता नहीं इसको भी आज क्या मसला है, सब सुस्त हुए हुए हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये हमारा नहीं है, ये भी सुस्त हुआ है। बसंती को निकालते हैं, काजल और शंकर बंद कर दिए। हाँ, और अब ओह यार दोस्तों, ये दरवाजे जो हमने नीचे को इसलिए खोले हैं कि ताकि ना ये जब इधर हमने कब्जे लगाए थे तो ये नीचे गिर जाते थे इधर से ना, ये साइड को, तो दरवाजा सही तरह से खुलता नहीं था, थोड़ा ही लेंथ बढ़ी है, तो इसलिए हमने नीचे को खोल दिए। तो ये सारा सेटअप हमने तकरीबन 2 महीने के अंदर बनाया था, चूने वगैरह जब किए, और ये केजेस भी खुद बनाए हैं हमने, मिस्त्री ने नहीं बनाए। ये फ्रेम आगे हमने खुद बनाए हैं, ये तरपाल वगैरह सब काम हमने अपने हाथों से किया हुआ है। इधर से ईंटें निकल गई हैं, किसी दिन सीमेंट ला के इधर ईंटें लगाएंगे, और इधर से हमारा केज टूटा हुआ है ये रिपेयर करेंगे हम, ये वाला। और यार ये केज है, कोशिश करेंगे कल इसको भी बनाए हम, इसकी हमने डिस्पेंसरी बनाने के लिए रखा हुआ है। परिंदे वगैरह बीमार हो जाते हैं, मेडिसिन हमारी जो है कभी कहीं रख देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं, तो ये डिस्पेंसरी होगी तो इसके अंदर जो है ना हमारी मेडिसिन आ जाएगी। तो दोस्तों ये तीन जो है ना, कप्तान, डायनासोर और शहजादा, ये रोजाना गमले के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको ना हम इस केज के अंदर, लकड़ी के केज के अंदर बंद करते हैं, और इनके पास मट्टी नहीं है। पहले जब ये डॉली के साथ होते थे उस केज के अंदर, तो तब वहां मट्टी होती थी, ये नहा लिया करते थे, खेल लिया करते थे, तो कल से इनको ना ये मिल गया है गमला। इसके अंदर कवार गंदर लगी थी, वो इन्होंने तोड़ दी है, और ये देखें काम चेक कर लें, कप्तान है और डायनासोर ये खेल रहे हैं मट्टी के अंदर, मट्टी यहाँ मिल गई इनको। ये जो है ये अपनी फीमेल को टिकने नहीं दे रहा जब से हम आए हैं, ये मुझे लगता है पिंजरे के अंदर भी ऐसे ही घुमाता रहता होगा, इसको दाना भी नहीं खाने देता। तो दोस्तों मैं ना डीएसपी को जब पानी रख के आया हूँ ना, तो और उधर सुल्तान को पानी रखा, तो मैंने एक चीज देखी है, मेरे साथ आ जाए, आपको भी दिखाता हूँ। हमारे साथ कल ना हमें चक्कर दे दिया चांदियों ने मिलके, तो ये चीज मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये देखना कैसे जुड़ के बैठी है दोनों सलाह के साथ, तो कल केज के अंदर जा ही नहीं रही थी, तो चलो पीछे हट जाओ, सोना आगे आ रहा है, ये देखें चेक कर लें आप। हमने बड़ी उम्मीद थी, हमने 12 अंडे इनके नीचे रखे कि चले यार ये बच्चे निकाल लेंगे, तो कैसे बैठी है ना जुड़ के। उधर से रुस्तम वाले केज से अंडा आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता यार वो गंजी दे रही है या लाखी दे रही है। ये हमारी गंजी जो है ना, ये हमारी लाडो है, देखें कैसे आई है ना बाहर को। तो इनको मैं खोलने लगा हूँ, पौधे हैं ना इनको उठा के हम ऊपर रख देते हैं ताकि इसको गंजा ना किया जाए, और अंडा नहीं है। कल मैंने अंडा इधर से उठाया था, इस केज से एक अंडा आ रहा है, ठीक है समझ गया।
कि तो दोस्त जैसे ही हम इधर बैठे थे तो उधर से डीएसपी जो खाना छोड़ के तो उसने दाना पानी अपना पूरा कर लिया था तो इधर आ गया भाग के। लेकिन यार भागते हुए मैंने उसको देखा, इतना मोटा है फिर भी इसी स्पीड के साथ भागा है और आते ही उसने ना रुस्तम पे अटैक कर दिया है। दो पैर ये उड़े हैं, हमने देखे भी हैं, डीएसपी बहुत अच्छा इसके साथ उड़ा है, खेला है, लड़ा है इसके साथ, हमने छुड़ा दिया है। आपको दिखा इसलिए सकते कि यार वायलेशन है। अच्छा जी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।